हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसएससी सीजीएल 2018 में टीयर वन और टीयर टू में। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और इनके थ्रू काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे। और इस वीडियो क्लास में मैं अपने स्टूडेंट्स और अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेके आया हूँ, तो इस ऑफर के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। तो इसलिए इस पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से देखिए। देखिए, ये है ऑसम ऑफर और ये वैलिड रहेगा 26 अगस्त 2018 10 बजे तक। इस ऑफर में मैं क्या दे रहा हूँ, देखिए, मैंने एक श्योर सक्सेस टारगेट बैच लॉन्च किया था टीयर वन के लिए, इंग्लिश के लिए, और इसकी फ़ीस रखी गई थी 1699 रुपये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक ऑफ़र दे रहा हूँ कि यदि आप इस टीयर वन के बैच को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको टीयर टू और टीयर थ्री के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसमें मैं टीयर टू और टीयर थ्री के लिए फुल इंग्लिश आपको पूरी तरीके से फ्री में पढ़ाऊँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल में मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश और 200 नंबर का मैथ्स आता है, और मैथ्स और इंग्लिश का डिसाइडिंग रोल होता है इसके सिलेक्शन में। जीके का तो केवल 25 क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कहीं से भी उसको आप कवर कर सकते हैं। हालांकि इस टारगेट बैच में भी मैं जीके के कंटेंट आपको दूंगा, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। मेन मेरा टारगेट रहेगा आपको इंग्लिश पढ़ाना टीयर वन टू और थ्री के लिए। तो ये टारगेट बैच मैंने जो लॉन्च किया था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। तो इसकी जो फ़ीस रखी गई थी 1699 रुपये रखी गई थी, लेकिन ये टीयर वन के लिए था केवल। लेकिन अब इस बैच में मैं आपको टीयर टू और टीयर थ्री इसका भी मैं पूरा इंग्लिश पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई एडिशनल चार्जेस इसमें नहीं देने हैं। और इसके अलावा इसमें आपको कुछ और चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे इसमें ई बुक्स आपको मिलेंगी वोकेबलरी की, 2500 वर्ड्स की जो वोकेबलरी है वो सारे PDF इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। कुछ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन मैंने निकाले हैं सीजीएल के लिए, टीयर वन के लिए और टीयर टू के लिए, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आ जाएंगे, तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। आप देख सकते हैं जीके सीए के जितने भी PDFs अवेलेबल हैं और जितने भी PDFs बनेंगे वो सारे आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। फ्री मेंस एग्ज़ाम के लिए एसएससी सीजीएल के PVSR के जो 10 पेपर हैं वो सारे इसमें हम सॉल्व कराएंगे आपको। और फ्री 43 एसएससी सीजीएल 2017 के जो सेट हैं, 43 जो सेट हैं, ये पूरे वीडियो क्लासेस और सारे PDF ये इसमें इस ऑफर के तहत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। जिसमें यदि 43 को या आप 25 से मल्टीप्लाई करें 43 × 25, तो 1075 क्वेश्चन तो आपको ये तैयार हो जाएंगे, और इफ़ेक्टिवली ये 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे, क्योंकि इसमें मैं सारे जो ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन के जो ऑप्शंस वो भी मैं आपको आंसर्स के साथ उसको एक्सप्लेन करके दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑफर कितना अच्छा ऑफर है ये और कितना फ़ायदा इससे आपको हो सकता है। तो ये ऑफर है और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस टारगेट बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं टीयर वन टीयर टू और टीयर थ्री की। इसमें फ़ीस रहेगी केवल और केवल 1699 रुपये। इसको PTM के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका जो लिंक है उसके थ्रू भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे नंबर्स दिए हैं, ये देख सकते हैं नंबर, कॉल, व्हाट्सएप एंड PTM, ये तीनों का नंबर है 9893719933। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं और इसके थ्रू अपनी सफलता सुनिश्चित करें सीजीएल 2018 में टीयर वन टीयर टू और टीयर थ्री के लिए। इंग्लिश का बेहतरीन गाइडेंस आपको घर बैठे इसके थ्रू आपको प्राप्त हो सकता है, और इस टारगेट बैच के थ्रू आप मोबाइल पर, लैपटॉप पर या PC पर घर बैठे शांति के साथ अपनी स्टडी आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 8/8/2017 को इवनिंग शिफ्ट में, और इसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है एरर, माय एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। देखिए, ये टिपिकल SSC क्वेश्चन है, और SSC जो क्वेश्चन देता है उसमें उसकी एक स्टाइल रहती है कि वो 2 या 3 जगह आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हिज ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर जो है ये किसी खाने का नाम नहीं है। ब्रेड एंड बटर का अर्थ होता है अपनी आजीविका, ठीक है, एक व्यक्ति की आजीविका होती है जिसके थ्रू वो पैसा कमाता है और अपना अपना घर वो पालता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर।
ठीक है, ये एक तरह से इडियम है या फ्रेज आप इसको बांध सकते हैं। तो ब्रेड एंड बटर का यूज जो हुआ है ये यहाँ पर सही तरीके से हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए डील विद और डील इन ये दो होते हैं एक्चुअली, डील विद और डील इन। यदि आप किसी चीज़ के साथ या किसी व्यक्ति के साथ डील करते हैं तो इसका मतलब उस चीज़ का आप सामना करते हैं, उस चीज़ को आप फेस करते हैं, ठीक है। किसी सिचुएशन के साथ भी आप डील कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ भी आप डील कर सकते हैं और किसी चीज़ के साथ भी आप डील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, माई एल्डर सन डील्स विथ मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस टेंस को हम यूज़ कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए एस का प्रयोग जो है ये सही है यहाँ पर, क्योंकि माई एल्डर सन जो है ये आपका कैसा है, सिंगुलर वचन है, इसलिए डील्स यहाँ पर सही है। यदि ये डील विद होता तो ये शायद गलत होता। अब इसमें देखिए, इसमें डील विद का मतलब होता है किसी चीज़ को फेस करना, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहे हैं कि वो स्पेयर पार्ट्स में डील करता है, मतलब स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस वो करता है। और हम बोलते हैं कि किसी बिजनेस में हम डील करते हैं, तो इसलिए इसके लिए यहाँ पर डील्स इन का प्रयोग होगा, डील विद का नहीं। यानी फर्स्ट जो पार्ट है ये आपका आंसर इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने टारगेट बैच में भी और वीडियो क्लासेस में भी मैं बहुत डिटेल में इसमें एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डील विद समबडी, डील विद समथिंग और डील इन सम गुड्स। जब आप किसी चीज़ में डील करते हैं, किसी चीज़ का बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हम डील इन लगाते हैं, और किसी चीज़ को जब आप फेस करते हैं तो उसके लिए हम डील विद लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्नेहा वॉज अक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। देखिए इस सेंटेंस में भी काफ़ी जगह एग्जामिनर ने स्टूडेंट को कन्फ्यूज करने की कोशिश की है। जैसे इसमें एक कठिन वर्ड दिया है, जैसे एक वर्ड दिया है इसमें अक्यूज्ड और ये होता है एक्विट, ठीक है। तो एक्विट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बरी कर देना, उसको छोड़ देना, एक्विट। और एक्यूज का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना। स्नेहा वॉज एक्यूज्ड मतलब उसके ऊपर आरोप लगाया गया। जब वॉज के साथ V3 का हम यूज करते हैं तो ये होता है पैसिव वॉइस। और इसमें सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम होता है, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है एक्चुअली। तो स्नेहा वॉज एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड के बाद हम फॉर नहीं लगाते, ऑफ लगाते हैं। और चूंकि ये प्रपोजिशन है ऑफ, इसलिए इसमें यहाँ पर भी फिर ING फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन चूंकि एक ही गलती आपको देखनी है, इसलिए जो फर्स्ट गलती होगी वो होगी इसमें फर्स्ट प्लेस में। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। और यहां पर आप देख सकते हैं अक्यूज्ड इज फॉलोड बाय ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माय सिस्टर्स मैरिज पास्ड पीसफुली। देखिए पास के काफी सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, पास ऑन, पास अवे, पास ऑफ, पास आउट, ठीक है। तो इसमें कौन सा वर्ड आएगा, यहां पर जो एडवर्बियल फ्रेज आएगा वो कौन सा आएगा। माय सिस्टर्स मैरिज पास ऑफ पीसफुली मतलब मेरी सिस्टर की मैरिज अच्छे तरीके से हो गई, अच्छे तरीके से संपन्न हो गई, अच्छे तरीके से उसका कार्यक्रम हो गया। तो पास ऑफ का क्या मतलब होता है, पास ऑफ का मतलब होता है प्रोसीडिंग्स के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, कोई घटना होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। हैपन और बी कंक्लूडेड इन अ स्पेसिफाइड यूजुअली सेटिस्फैक्ट्री वे, किसी चीज़ का संतोषजनक तरीके से कंक्लूड हो जाना, समाप्त हो जाना, संपन्न हो जाना, उसको हम बोलते हैं पास ऑफ, ठीक है। पास अवे का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की डेथ हो जाना, पास अवे। पास बाय का अर्थ होता है गुजरना कहीं से, जैसे आप कहीं से गुजर रहे हैं, अपने फ्रेंड के यहाँ से गुजर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पास बाय, ठीक है। पास ऑफ संपन्न हो जाना, किसी चीज़ किसी घटना का संपन्न हो जाना। पास आउट के कई सेंस हैं, पास आउट का अर्थ एक सेंस ये है कि कॉलेज से बाहर निकलना, पास आउट, ठीक है। और इसका एक अर्थ ये भी है कि अनकॉन्शस हो जाना, बेहोश हो जाना, या तो आप बीमार हैं या आपको कोई तकलीफ है या चोट लगी है, तो उस सेंस में भी हम पास आउट वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर आर बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी सो यू नीड टू परचेज देम फॉर द मार्केट। ये फ्यू और लिटिल के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी चेक की जाती है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बुक्स की बात हो रही है, तो बुक्स के लिए बुक्स एक काउंटेबल नाउन है।
और काउंटेबल नाउन के लिए हम फ्यू लगाते हैं, ठीक है, लिटिल हम लगाते हैं, लिटिल हम लगाते हैं अनकाउंटेबल के लिए, जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए हम काउंटेबल फ्यू का प्रयोग करते हैं। अब तीन फ्यू दिए हैं यहाँ पर, ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर, और ए फ्यू का अर्थ होता है सम, यानी कुछ, ठीक है, तो और द फ्यू का मतलब होता है कि जितने भी हैं वो सभी के सभी, मतलब जितने भी आइटम हैं उन सभी को कंसीडर किया जाना चाहिए, उसको हम बोलते हैं द फ्यू। ए फ्यू का मतलब होता है सम, और फ्यू का मतलब होता है, ये नेगेटिव सेंस में आता है फ्यू, ठीक है। और ये जो रूल है ये सेम है फ्यू के लिए और लिटिल के लिए, लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू होता है काउंटेबल के लिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्यू का अर्थ है हार्डली एनी, ए फ्यू का अर्थ है सम, और द फ्यू का अर्थ है कि जितने भी हैं वो सभी के सभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं सेंटेंस में, देयर आर बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी, सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट, मतलब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है लेकिन उसके अंदर कंप्यूटर साइंस की कोई भी बुक नहीं है, या ना के बराबर उसमें बुक हैं, तो इसीलिए हमें उन बुक्स को परचेज करना है। यदि यहाँ पर बुक्स होती तो उन्हें हमें परचेज नहीं करना पड़ता, तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन होगा आपका सी, यानी फ्यू। अब देखिए, यहाँ पर यदि आप ए फ्यू लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सम, ठीक है। यदि कुछ बुक ऑलरेडी हैं तो आपको परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए ए फ्यू यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फ्यू, जिसका मतलब होता है ना के बराबर। चूँकि ना के बराबर बुक्स हैं लाइब्रेरी में कंप्यूटर साइंस की, इसलिए यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। ऐसे इसको समझना है, फ्यू होता है काउंटेबल के लिए और लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए। और फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर है, ये मैंने आपको समझा दिया है। द फ्यू का अर्थ होता है जितना भी है वो पूरा का पूरा कंसिडर होना चाहिए। ये सिमिलर वर्ड है एट्रोसिटी, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, एसएससी में काफ़ी वर्ड्स रिपीट होते हैं और इस बार भी ये वर्ड्स रिपीट होंगे। काफ़ी वर्ड्स, काफ़ी क्वेश्चंस 2016 और 2017 में से पूछे जाएंगे इस बार, तो 2017 और 2016 मैं अपने टारगेट बैच में पूरा कवर करूँगा। और यदि इस टारगेट बैच को, मेरा जो टारगेट बैच है, इसको आप सिंसियरिटी के साथ यदि करते हैं तो इंग्लिश में आप 90% तक आराम से स्कोर कर सकते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, एट्रोसिटी का अर्थ एक्चुअली अत्याचार होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करना। तो अत्याचार का सिनोनिम क्या होगा, बार्बर, बार्बर का मतलब होता है अत्याचारी, बार्बेरिटी, ठीक है। एट्रोसिटी एक नाउन है तो इसलिए बार्बेरिटी इसका इक्वल वर्ड होगा, तो बार्बेरिटी इसमें सही आंसर होगा। डिफिकल्टी, शाय का मतलब होता है शर्माना, ग्लूमी का मतलब होता है दुखी, तो बार्बेरिटी यहाँ पर आपका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट का क्या अर्थ है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट का अर्थ होता है डिले, किसी चीज़ को डिले करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी डी से सारे वर्ड स्टार्ट किए गए हैं, और ये एक टिपिकल स्टाइल है एसएससी का कि सारे वर्ड एक ही लेटर से स्टार्ट करना। डाइवर्ट मतलब ध्यान अपना अलग, ध्यान अपना अलग तरीके से हटाना। डिवेस करना, किसी को नीचा दिखाना। डिले, लेट करना। डिसीव, धोखा देना। तो डिले जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर इसका होगा। रॉकस का क्या अर्थ है, ये वर्ड भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, ये वर्ड मैंने अनअकैडमी पर भी पढ़ाया था, अनअकैडमी पर भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं वोकैबलरी के, बसंत सिंघल नाम से। तो रॉकस का क्या अर्थ है, रॉकस का अर्थ है बहुत ही ज़्यादा हार्ड या कठोर, ठीक है, साउंड के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। और इसका यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड चाहिए, तो अपोजिट वर्ड रॉकस का क्या होगा, ड्यूल सेट इसका अपोजिट वर्ड होगा, ड्यूल सेट। ड्यूल सेट का अर्थ होता है मेलोडियस, स्वीट, तो इसलिए रॉकस यानी बहुत बहुत भारी, बहुत ख़राब सी आवाज़, उसको हम बोलते हैं रॉकस। तो ड्यूल सेट इसका सही आंसर यहाँ पर होगा। होर्स का अर्थ भी खुरदुरा होता है, होर्स। जेरिंग का अर्थ भी वही होता है, खुरदुरा। टोरेंट मतलब एकदम जो फ्लो होता है किसी चीज़ का, मूसलाधार बारिश को भी हम टोरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूल सेट, ये थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है और कॉमन वर्ड नहीं है ये, और इस तरह के वर्ड्स काफ़ी आते हैं एसएससी में जो कॉमन नहीं हैं और एकदम से अलग हटके हैं और स्टूडेंट उनको देख के एकदम सरप्राइज हो जाता है, तो इस तरह के वर्ड्स काफ़ी आते हैं। प्रेडिलेक्शन, यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड बताना है। प्रेडिलेक्शन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को
लाइक करना, एक लाइकिंग किसी किसी चीज के या किसी व्यक्ति के प्रति होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रेडिलेक्शन। तो फॉन्डनेस या लाइकिंग जो होगा वो इसका सिनोनिम होगा प्रेडिलेक्शन का। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा एनमिटी यानी दुश्मनी या हॉस्टिलिटी, ठीक है। डोमिसाइल यानी रेसिडेंस होता है, इंड्यूरिंग मतलब सहन करना, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव। तो एनमिटी जो होगा इसका सही एंटोनिम होगा प्रेडिलेक्शन का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अ वाइल्ड गूज चेस। काफ़ी बार आ चुका है ये एसएससी एग्जाम में, काफ़ी रिपीट हो चुका है। वाइल्ड गूज चेस का अर्थ होता है कोई ऐसा काम करना जो यूजलेस हो या किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास करना लेकिन आपको लेकिन उसका उसको पाने की उम्मीद बहुत कम है, जिसको हम बोलते हैं यूजलेस सर्च, ठीक है। तो यूजलेस सर्च जो होगा इसका सही आंसर होगा अ वाइल्ड गूज चेस। चेस का अर्थ पीछा करना होता है, वाइल्ड गूज का पीछा करना, ठीक है। तो वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है एक ऐसी सर्च करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। मूट पॉइंट, मूट को हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। मूट पॉइंट हम एक ऐसे विषय को बोलेंगे, एक ऐसे पॉइंट को बोलेंगे जिस पर काफ़ी डिस्प्यूट है, ठीक है, जो डिस्प्यूटेड है उसको हम बोलते हैं मूट पॉइंट। तो बी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। मूट के तीन मीनिंग हैं, सब्जेक्ट टू डिबेट मतलब जिस पर डिबेट हो सकती है उसको हम बोलते हैं मूट पॉइंट, हैविंग लिटिल और नो प्रैक्टिकल रिलीवेंस किसी चीज़ की यदि कोई वैल्यू नहीं है तो उसको हम बोलते हैं मूट, ठीक है। रेज अ क्वेश्चन और टॉपिक फॉर डिस्कशन उसको भी हम बोलते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन वॉज मूटेड इन द मीटिंग इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसमें। और मूट का अर्थ होता है हैविंग लिटिल और नो प्रैक्टिकल रिलीवेंस, इस सेंस में भी मूट का हम यूज करते हैं। तो ये तीन मीनिंग है मूट के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और डिस्प्यूटेड इसमें आपका सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट का देखते हैं। जो आपका ब्रैकेट में जो पार्ट लिखा गया है उस पार्ट को आपको करेक्ट करना है। द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी एज सी इज एफिशिएंट, चूंकि वो काफ़ी एफिशिएंट है इसलिए चेयरमैन ने उसको अपॉइंट किया एक सेक्रेटरी की तरह। अब आप खुद ही देखिए ये बोलने में ही कितना अजीब सा लग रहा है, एक सेक्रेटरी की तरह उसने उसको अपॉइंट किया। और यदि मैं आपसे बोलूं कि उसने चेयरमैन ने उसको सेक्रेटरी बनाया या सेक्रेटरी अपॉइंट किया तो ये सही होगा। तो अपॉइंट के बाद हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं, अपॉइंट अ सेक्रेटरी, चूंकि सेक्रेटरी सिंगुलर है इसलिए इसमें ए भी हम लगाएंगे, एज नहीं आएगा, सेक्रेटरी अकेला नहीं आएगा, इसमें ए भी हम लगाएंगे, ठीक है। जैसे पोस्ट और डेजिग्नेशन होती है उससे पहले भी हम ए लगाते हैं, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर, तो इसीलिए इसमें ए कहना इसमें सही होगा, एज ए सेक्रेटरी की जगह इसमें ये सेक्रेटरी होगा और ए इसका सही आंसर आपका बन जाएगा। आई विश आई वॉज अ सुपरमैन, काश मैं एक सुपरमैन होता, ठीक है, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। और देखिए आई के साथ हम वॉज लगाते हैं, ठीक है, और दे के साथ हम वर लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दे वर गोइंग, आई वॉज गोइंग, ठीक है। लेकिन ये चूंकि इमेजिनरी सेंटेंस है और इमेजिनरी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वर होती है चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, तो इसलिए इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा वर, आई विश आई वर अ सुपरमैन, काश मैं एक सुपरमैन होता, और वर इसमें आपका सही आंसर होगा। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इनकरेक्ट कौन सा वर्ड है? एंग्जाइटी, ए एन एक्स आई ई टी वाई। देखिए इस तरह के वर्ड काफ़ी आते हैं एसएससी में जिसमें आई और ई में कन्फ्यूजन होता है या डबल लेटर में कन्फ्यूजन होता है, तो आई और ई ये स्पेलिंग सही है एंग्जाइटी, ए एन एक्स आई ई टी वाई बी ई एल आई ई वी ई पी आई ई टी वाई होता है ये, पाई टी इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है पायस यानी रिलीजियस, ठीक है। हाइट की स्पेलिंग सही है एच ई आई जी एस टी, ठीक है, इसमें बी ई एल आई ई बी ई ए एन एक्स आई ई टी वाई, इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें आंसर होगा आपका सी, पाइटी की स्पेलिंग गलत है इसमें। तो एसएससी में आपसे इनकरेक्ट स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
देखिए एडमिटेड में डबल टी आता है एडमिटेड, लेकिन बेनिफिटेड में डबल टी नहीं आता, ठीक है। मेरिट मेरिट की स्पेलिंग सही है, ऑफर्ड की स्पेलिंग सही है, बेनिफिटेड की सही है। बेनिफिटेड में एक्चुअली डबल टी आता भी है और नहीं भी आता है, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो स्पेलिंग है वो बिना टी वाली है, ठीक है। तो इसका इसका रूल मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, स्पेलिंग का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बेनिफिटेड की ये जो स्पेलिंग है ये एक्सेप्टेबल स्पेलिंग है, ये गलत नहीं है। एडमिटेड की गलत है, ADMITEED। तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा। ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सर्विस से तो रिटायर हो गया है लेकिन अभी अपने साथ वो टाइटल लगाता है, जैसे प्रोफेसर हुआ या कैप्टन हुआ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, इसको हम बोलेंगे एम्बरिटस। बी इसमें आपका आंसर होगा बेलिजरेंट, मतलब जो लड़ाकू है, जो लड़ने का शौकीन है। ट्रूएंट हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बिना परमिशन के कहीं से क्लास से भाग जाता है, एब्सेंटी जिसको हम बोलते हैं। मर्सिनरी जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, जो प्राइमरी जिसका प्राइमरी कंसर्न पैसा कमाना है, जो अपने एथिक्स को भी दाव पर लगा देता है, उसको हम बोलते हैं मर्सिनरी। तो एम्बरिटस इसमें सही आंसर होगा। बेलिजरेंट क्वेरलसम होता है, एम्बरिटस का मैंने बता दिया। ट्रूएंट अ चाइल्ड हु इज़ रेगुलरली एबसेंट फ्रॉम स्कूल, इसको हम क्या बोलते हैं, एबसेंटी भी बोलते हैं, मेलिंगरर भी बोलते हैं, शर्कर भी बोलते हैं। शर्क अर्थ होता है कामचोर, शर्क। प्ले हुकी भी इसको बोल सकते हैं, और गो अबॉल भी इसको हम बोलते हैं। गो अबॉल इसका अर्थ होता है कि एबसेंट विदाउट लीव, एबसेंट विदाउट लीव है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मर्सिनरी के जो सुनेम होंगे वो हो सकते हैं वीनल और रेपेसियस, लालची। तो इस तरीके से मैंने इसमें इस वीडियो क्लास में 8/8/2017 CGL 2017 टीयर 1 के कुछ क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, और अपने टारगेट बैच में मैं पूरे 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, और सारे सेट मैं आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करके दूंगा, और उसके थ्रू आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। इसलिए टारगेट बैच को आप नए ऑफर के तहत आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं 1699 रुपये में आपको टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 तीनों का ही इसमें आपको एक्सटेंसिव गाइडेंस दूंगा इंग्लिश लैंग्वेज का, और इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत बड़ा वेटेज होता है SSC में। 50 नंबर की प्री में आती है, फिर 200 नंबर की मेंस में आती है, एक डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो एक डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए हो सकता है। तो टारगेट बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेटीएम के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरे नंबर्स भी दिए हैं, इन नंबर्स के थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।